दोस्तों इस वीडियो के अंदर जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, कंपनी लिथियम आयरन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही साथ इस कंपनी के पास में काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक भी है। रिसेंटली कंपनी ने लगभग 300 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग भी करी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन कंपनी ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कराए और बाकी का यूटिलाइजेशन कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% की जंप देखने को मिल रही है और कंपनी के प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज किया है। तो ये कंपनी के कुछ हाइलाइटेड की पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अब डिटेल में एनालिसिस करते हैं कंपनी को, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कंपनी की शेयर प्राइस है 455 रुपए की, लेकिन अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो जहां आज के दिन कंपनी ने लगभग 2% तक के ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वहीं पिछले 5 साल में कंपनी लगभग 300% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। अगर आप किस कंपनी का मैक्सिमम ईयर्स का चार्ट पैटर्न उठाकर देखेंगे तो लगभग 21,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। यानी जो शेयर किसी टाइम पर आपको 1 रुपए से भी कम की प्राइस पर देखने को मिलता था, वो देखते ही देखते आपको 455 रुपए की प्राइस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वहां पर आने वाले 5 सालों में बहुत ही तेजी से ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है और कंपनी की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि कंपनी इस ग्रोथ को काफी आसानी से अचीव कर सकती है। कंपनी का नाम है काबरा एक्सट्रक्शंस लिमिटेड, जो कि 1982 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब बात करें कंपनी के कुछ की इंपॉर्टेंट मेट्रिक पॉइंट्स के बारे में, तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी स्पेशलाइज है प्रोवाइडिंग प्लास्टिक एक्सट्रैक्शन मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स एंड फिल्म्स। इसी के साथ में कंपनी लिथियम आयरन बैटरी का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो प्लास्टिक में कंपनी की जो कैपेबिलिटीज है वो इट हैज़ मोर देन 14,300 इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमें इंडिया के अंदर दमन में देखने को मिलती है। वहीं लिथियम आयरन बैटरी की बात करें तो जहां पर कंपनी की 300,000 बैटरी पैक्स फॉर 2 वॉट और 1,25,000 पैक्स ऑफ 3 वॉट की कैपेसिटी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 500 मेगावाट पर आवर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस कंपनी की। कंपनी एक बहुत ही स्मॉल कैप है, यानी कि 1452 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन पिछले 1 साल में कंपनी ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। सबसे खास बात यह कि ये स्मॉल कैप कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है और साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो भी हमें FD के अगेंस्ट में काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। अब बात करें इस कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिलती है, साथ ही साथ काफ़ी गुड क्वार्टर रिजल्ट कंपनी मेंटेन करते हुए आ रही है। इस स्मॉल कैप कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमें 32% से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है और डेटर्स के डेज में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिस कारण से कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विलेंट है वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। वहीं लास्ट क्वार्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। अब बात कर लें इस कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में, तो कंपनी ने रिसेंटली अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जिसमें कंपनी ने 105 करोड़ रुपए की सेल्स डिक्लेयर करी है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ रुपए का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट किया है। इसी के साथ में अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां लास्ट ईयर के Q3 में कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, वहीं लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 6,69,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं दिसंबर क्वार्टर में यानी कि करंट ईयर में कंपनी ने जो रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं वहां पर कंपनी ने 8,83,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 50% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत ही शानदार तरीके से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार निकल कर आ रही है। लास्ट 9 मंथ्स के डाटा को अगर आप देखेंगे तो 350 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स डिक्लेयर कर दी है अभी तक और 52 करोड़ रुपए का कंपनी अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। वहीं अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 31 करोड़ रुपए के काफ़ी बड़े मुनाफे में कंपनी अब हमें आते हुए देखने को मिल रही है।
जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री देखने को मिलती है। 36 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर डेब्ट है और अगर रिजर्व की बात करें तो 271 करोड़ रुपए के कंपनी के पास में हेल्दी रिजर्व भी है, यानी कि कंपनी आने वाले टाइम में भी आपको डिविडेंड जैसी बड़ी अनाउंसमेंट देते हुए देखने को मिल सकती है। अब बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 59.46% देखने को मिल रही थी, वहीं दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर लगभग 60% तक कर दिया है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन DII ने अपने स्टेक को एज इट इज कंटिन्यू रखा है। पब्लिक इन्वेस्टर्स का स्टेक भी हमें इस कंपनी के अंदर लगभग 38% का देखने को मिलता है। इस कंपनी ने यानी कि काबरा इंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने रिसेंटली दिसंबर मंथ में ही 301 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की यहां पर अपडेट डिक्लेयर करी थी, जिसमें इन कंपनी को बोर्ड्स की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है और साथ ही साथ कंपनी के पास में काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक भी है, जिसमें रिसेंटली में वार्ड विजार्ड को लेकर यहां पर 8000 बैटरी पिक्स बनाने का जॉय ई बाइक को लेकर इनके पास काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी हाथ लगा है और सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर ये कंपनी को हाथ लगा है। तो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। यदि आपने काबरा इंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं और साथ ही साथ कंपनी की जिस प्रकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आने वाले 5 सालों में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने वाली है और ईवी में जिस प्रकार से लिथियम आयरन बैटरी का यूटिलाइजेशन बहुत तेज़ी से होने वाला है, तो इस कंपनी को उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आपको यहाँ पर बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप यहाँ पर मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी के अंदर अपनी पोजिशंस को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी हैं, जहां से आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट्स टाइम टू टाइम बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है। साथ ही साथ मार्केट ओपन होने के पहले कुछ प्राइस एक्शन स्टॉक्स भी आपको बताए जाते हैं, जिनका बेनिफिट उठाकर आप इंट्राडे सेशन में काफ़ी शानदार प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अप स्टॉक्स के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट विद इन 4 आवर्स ओपन करा सकते हैं और आने वाले आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठा सकते हैं। रिसेंटली अभी आपको मार्च मंथ में LIC का आईपीओ देखने को मिलने वाला है और LIC का आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है, तो उस आईपीओ के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैंडेटरी है कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।